बुरे लोगों से कैसे बचें, जानिए 10 तरीके। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देख के ही हमें बहुत अच्छा लगता है या खुशी होती है। उनका कॉल या मैसेज आने पर भी हमें अच्छा लगता है और ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे सामने भी आ जाते हैं तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है और हम टेंशन में आ जाते हैं कि इससे बात ना करनी पड़ जाए। इनके मैसेज आने से भी हमें टेंशन हो जाती है और इनका कॉल भी मजबूरी में रिसीव करना पड़ता है। बुरे लोगों के कई रूप होते हैं। कुछ मतलबी होते हैं जो सिर्फ अपना काम निकलवाना जानते हैं। कुछ लालची होते हैं जो हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं। कुछ झगड़ालू भी हो सकते हैं जिनसे तो बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत रहती है। ऐसे बहुत से लोग हमारे आसपास मौजूद हैं। ये दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे टच में होते हैं। इसलिए हम इनसे जुड़े होते हैं और इन्हें सीधे तौर पर इग्नोर नहीं किया जा सकता, पर इनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर है। आप भी ऐसे ही बुरे लोगों से घिरे हुए हैं और उनसे बचना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, तो हम इस आर्टिकल में ऐसे ही कुछ तरीके लेकर आए हैं जिनसे आप ऐसे लोगों से कैसे बचना है ये जान पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का आर्टिकल, बुरे लोगों से कैसे बचें। पहला, जितना हो सके ऐसे लोगों की कभी भी हेल्प ना लें। ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं और हमारे टच में रहते हैं तो कभी हमारा काम भी इनसे पड़ जाता है। पर आप जहां तक हो सके कोशिश करें कि इन लोगों से आप हेल्प ना लें, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों से मदद लेते हैं तो हो सकता है ये उस समय आपकी मदद कर दें, पर आपकी एक मदद के बदले यह लोग आपसे कई बार मदद लेंगे और आपको यूज़ करेंगे। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप बिना मतलब किसी को परेशान नहीं करोगे और आपने जब मदद ली जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पर बुरे लोग ऐसे नहीं होते, वो आपको छोटे से काम के लिए भी परेशान कर सकते हैं और आपने भी मदद ली थी यही सोचकर आप इन्हें मना नहीं कर पाओगे। दूसरा, बुरे लोगों को नज़रअंदाज करें। जब ऐसे लोगों को सामना करना पड़े तो आप इनसे बहुत ज़्यादा बातें ना करें और जितना जल्दी हो सके वहाँ से कुछ ना कुछ बहाना बनाकर निकल जाएं और अपनी बॉडी लैंग्वेज या बातों से भी कहीं ना कहीं उन्हें एहसास करा दें कि आपको उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और जब इनके पास कुछ ऐसा मौका आएगा कि इन्हें इनका काम निकलवाना है या किसी से कोई फ़ायदा लेना है तो ये उन्हीं लोगों का चुनाव करते हैं जो इनके करीब हैं, जिनके इनकी अच्छी पट रही है। आप जब इन्हें नज़रअंदाज करोगे तो आप उस लिस्ट से बाहर हो जाओगे और यदि आप इनसे बहुत अच्छे से बात करोगे तो हो सकता है इन्हें सबसे पहले आपका ही ख्याल आए। इसलिए ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना ही सही है। तीसरा, इन लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। बुरे लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोचें और ना गुस्सा करें। हो सकता है उनकी बातों से आपको गुस्सा आया हो, आपने टेंशन ले लिया हो, पर इसमें हम अपना ही नुकसान करते हैं। ज़्यादा सोचना या टेंशन लेना, गुस्सा करना हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। इनकी वजह से आपका कुछ नुकसान हुआ हो, उनकी बातों से आपको हर्ट हुआ हो, पर इनके कारण आप अपनी सेहत खराब ना करें।
क्योंकि सच तो यही है, उनका बदलना असंभव है। इसलिए भविष्य में ऐसे लोगों से बच के रहें और जो हुआ उसे भूल जाएं। चौथा, ऐसे लोगों को बार बार मौके ना दें। बुरे लोग जो एक बार आपका नुकसान कर चुके हैं या किसी न किसी रूप में आपको परेशान कर चुके हैं और आप उन पर एक बार भरोसा करके पछता चुके हो, तो आप यह तो बिल्कुल भी ना सोचें कि वह सुधर गया है और अगली बार आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। फिर से उस पर भरोसा करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस बात के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि वह फिर से ही ऐसा करेगा। और आपके पास सबसे अच्छा मौका भी यही है कि आप एक बार धोखा खा चुके हो तो फिर से आपको कोई मदद लेता है तो आप उसे पिछली बात की याद दिला दें और साफ मना कर दीजिए, क्योंकि आपके पास सबसे अच्छा कारण है उसे मना करने का। उसे दूसरा मौका देकर बेवकूफ बिल्कुल भी ना बने। पांचवा, थोड़ा सीधा जवाब दे। ऐसे लोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है इनकी जो आदतें आपको पसंद नहीं है वो इन्हें सीधा बोल दें। इनकी वो आदतें जो आपको पसंद नहीं है या उनके कारण आपको कभी कुछ नुकसान हुआ हो, तो इन्हें सीधे सीधे इनकी गलती बताएं। हम यह नहीं कह रहे ऐसा करने से यह सुधर जाएंगे, पर ऐसा करने से ये आपको नापसंद करने लग जाएंगे या आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा है। ऐसे लोगों की पसंद बनना भी नहीं है हमें। छठा, बुरे लोगों के प्रति थोड़ा कठोर बने, दया ना करें। ऐसा कहा जाता है कि दया ही दुख का कारण है। आप एक अच्छे इंसान हो तो आप किसी पर भी दया जल्दी कर लेते हो और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हो, पर बुरे लोग मदद लेते टाइम तो बहुत मासूम बनते हैं पर अपना काम निकलते ही वह अपना असली रंग दिखाने लगते हैं। वैसे किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, पर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो और उनसे पहले भी ठगे जा चुके हो, तो आप उन पर किसी प्रकार की दया ना करें। हो सकता है वो आपको अपनी कुछ परेशानी बताए और आपको दया भी आ जाए, पर यकीनन आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों पर किसी प्रकार की कोई दया ना करें तो ही अच्छा है। सातवां, इनके बहकावे में ना आए। इन लोगों में एक विशेष गुण होता है, ये बात करने में अच्छे होते हैं और इनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, पर यह सिर्फ बातों के ही धनी होते हैं, रियल लाइफ में यह कुछ भी नहीं करते। तो आप कभी भी इनकी बड़ी बड़ी बातों में ना आए, हमेशा इनसे दूरी बना कर रखें। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारे विचार? अगर ये विचार पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।